दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईली स्पेशलाइज्ड मरीन कमांडो फोर्स यानी कि मार्कोस, इस नाम को आपने पहले कई बार सुना होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि एक मार्कोस कमांडो कैसे बनता है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए सबसे पहले 3 दिन का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। उसमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट 5 हफ्ते के लिए हेलविक में भेज दिए जाते हैं। हेलविक के दौरान जवान को हर सुबह 20 किलोमीटर दौड़ना, दिन की 20 घंटे एक्सरसाइज और 60 किलो बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर तक चलना होता है। इन सब में एक मरीन कमांडो को 4 घंटे की नींद भी नसीब नहीं होती। इन के बाद आता है डेथ क्रॉल। दोस्तों, डेथ क्रॉल में कीचड़ भरे एक मैदान में कमांडो को शरीर पर 25 किलो वजन रखकर 2.5 किलोमीटर तक क्रॉल करके जाना होता है। इस ट्रेनिंग के बाद कमांडो पूरी तरह थक जाता है, उसे नींद आने लगती है। तब 25 मीटर दूर टारगेट पर निशाना लगाना होता है। जो कमांडो हेल वीक को कम्प्लीट कर लेते हैं, उनको कोचिंग के नेवल डाइविंग स्कूल में भेज दिया जाता है। इस स्कूल में ट्रेनिंग के पहले मंथ में ही 50% जवानों को वापस भेज दिया जाता है, और फिर जो बच जाता है उसे 2.5 से 3 साल तक सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तब जाकर